एक लहसुन और लग गया हमारी जिंदगी में भाई। यहाँ के बाद पेड़ एक और पड़ा है, ज्यादा पड़ा है क्या? हाँ दिखाना, एक मिनट लाइट ऑन करो, हो जाएगा ये बड़ा। लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो, इसको झाड़ी तो नहीं यार, ये नहीं कर पाएंगे। दो पेड़ टूट रखे एक साथ, नहीं सिंगल ही है, नहीं हो सकता है एक तरीके से। कैसे? एक तरीके से क्रॉस हो सकता है, जैसे कि मछली मकड़ी का जाला है। अगर इस गाड़ी के अंदर टो है ना, टो में बांध के पेड़ को खींचा जाए तो, पर फिर भी नहीं पाएगा क्योंकि काटना पड़ेगा लास्ट में इसको, एक ऑप्शन ही है। काटने के लिए अपने पास कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, और ये हमारे आके डेड एंड है और पता भी नहीं है। इससे आगे हम इतनी मेहनत करके यहाँ से निकले, आगे जाके हो रास्ता ना हो। मेरे हिसाब से रिवर्स लेना चाहिए, गेट तो खुलवा देंगे। पहले बोलता ना गेट खुलवा देते थे। अरे अभी जाओ भाई ने बोला आगे रास्ता है भाई, यहाँ तो आके बिल्कुल डेड एंड है विकास भाई, डेड एंड है, डेड एंड है बिल्कुल। इससे कितना बड़ा पेड़ है ना भाई, पेड़ के पीछे रास्ता है बट इसके पीछे और कितने पेड़ होंगे आगे कुछ कह नहीं सकते, ये डेड एंड है यार। अब विकास भाई यही वाली बात है कि कुदरत नहीं चाहता हम आगे जाए। तीन उसने हमारे सामने गेट दिए और तीनों दो क्रॉस कर दिए, तीसरा उसने ऐसे गेट दिया हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। अब आगे जाने का कोई बहुत ज्यादा तो बस इससे मतलब कि ये है कि अपन वापस चलते हैं, जितना हमें करना था कर लिया, अब थोड़ा सा स्पीड थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है भाई, डन है सब गाइस, सब पक्का है? मैन तो अब है कि वापस जाना है, क्योंकि भाई देखो सही बात है कि जब आपको चारों तरफ से रास्ते बंद मिले ना तो ऊपर वाले यही सोचते हैं कि बेटे आप वापस जाओ। नहीं, ये एक तरह से इंडिकेशन होता है बिल्कुल, बस अब बहुत एडवेंचर हो गया, अब वापस हो जाओ, आप समझ जाओ तुम बिल्कुल बिल्कुल। इससे स्ट्रगल करना, थोड़ा सा एडवेंचर, अगर हमारे पास कुछ ऑप्शन होता है या कट करने का होता तो हम काट भी देते हैं हमारे पास, पर छोटा बड़ा वो जो इतना हमारे हालत में था, जो हमारे हाथ में था वो हमने हटा दिया, बट ये हमारे हाथ में। इसमें 1% को ये कर सकते हैं कि हम इसमें टो रोप बांध के इसको हम खींच सकते हैं, बट पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा है। अब तुम इस पेड़ की हाइट देख लो यार, मतलब कितना बड़ा है, कितने कम से कम भी ये है 40-45 फुट के आसपास होगा ये पेड़। अब इतना बड़ा तना गाड़ी से खींचेंगे किस तरीके से, और रोप भी इतनी पावरफुल नहीं है कि जो शायद इसको खींच पाए। एक तो भाई इतने सारे मच्छर घूम रहे ना सिर पे चढ़ रहे हैं, इससे अच्छा है तो गाड़ी में बैठ जाए, काट गया ना कोई तो दाखड़ हो जाएंगे। देखा गाइड करके फिर धीरे धीरे निकालते हैं, चलो निकाल, हां रिवर्स लेते हैं, चलो मैं फॉर्चुनर तो नहीं मुड़ पाएगी। अरे मोड़ देंगे फॉर्चुनर, कैसे मोड़ देंगे? नहीं नहीं गड्ढा है भाई। अरे बस बैक ले लेंगे ना यहाँ से। हाँ बैक ही लेंगे। तो भाई अब यहाँ से हमारे रिटर्न स्टार्ट होती है, क्योंकि व्लॉग वही है, बहुत काफी लंबे बन चुके हैं। अब हम नहीं चाहते जो हमने एडवेंचर या हमने जो भी मशक्कत की है वो चीज हम कट कर दे और छोटा ब्लॉग बना दे, इस वजह से हमने सारे ब्लॉग लंबे रखे। अब भाई वापस अनकट एडवेंचर सारा देखो, हमने कुछ ऐसा चीज नहीं रखी कि जो भाई इसमें एडवेंचर, इसमें कट करने वाली चीज नहीं थी। सेकंड चीज ये थी कि अब यहाँ से हमें वापस जाना है, क्योंकि कुदरत भी नहीं चाहता कि हम आगे जाए, जब यार एक इंडिकेशन था कि वो रिवर था, सेकंड था कि वो दूसरा पेड़ पड़ा था उसको चलो हमने कैसे करके हटा दिया। अब तीसरी चीज ऐसी है कि जो चीज हट नहीं सकती अगर इसके साथ हम मशक्कत कर भी दे, बट ये नहीं पता इससे आगे जो रिवर है उसमें फ्लो कितना तगड़ा होगा, क्या पता रास्ता कट चुका होगा, जब वो वाला कट चुका रास्ता तो वो तो क्या ही होगा, और जिस हिसाब से पेड़ पड़े हैं, जिस हिसाब से पीछे वो रास्ता खराब था, तो उस हिसाब से किसी हालत में लगता नहीं कि यहाँ पे कोई आता भी होगा। तो भाई वो रही नई वाली था, ये रही फॉर्चुनर। अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे जगह नहीं है, इधर भी खड्डा है और इधर भी जगह नहीं है, तो अब क्या अगर गाड़ी बैक लेके जानी पड़ेगी। अब बैक बहुत दूर तक लेके जाने पे जहाँ पे पेड़ पड़ा था वहाँ से पहले तो गाड़ी यू टर्न होने की नहीं है, थार हो सकती थी बट फॉर्चुनर नहीं, क्योंकि फॉर्चुनर लेंथ थोड़ी ज़्यादा है इस वजह से। तो फाइनली गाड़ी अपनी हो चुकी है यहाँ से टर्न, और भाई बहुत मशक्कत लग गई है गाड़ी टर्न करने में, बाहर निकलने में मौत सी आ रही है अभी फिलहाल ना। बिल्कुल मैंने तो आप पूरी रिवर्स जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई थोड़ी बड़ी गाड़ी का ये नुकसान है कि गाड़ी को अब मेन चीजें हमें वहां से जहां से हमने उतारना उसको निकाल, शायद उसमें बम्पर टच हो सकता है। हाँ क्योंकि ये वाला पार्ट ऐसे लगे यार, हाँ, ऐसे है नहीं, ऐसे है, ऐसे है, कोई नहीं, चलो उसका जुगाड़ करेंगे है ना, जब हर चीज का जुगाड़ करें। हाँ जब तो, भाई है तो फिर हो ही जाएगा। हाँ तो अगेन भाई वहीं पे आ गए जहाँ से अभी गाड़ी ऊपर चढ़ाई थी, और सबसे मेन प्रॉब्लम क्या भाई, यहाँ फॉर्चुनर का बम्पर टिक सकता है, जहाँ थार का बम्पर गया था यहाँ बम्पर टिक सकता है शायद, बट नहीं देखते हैं बम्पर टिक सकता है यहाँ पे फॉर्चुनर का, पिछले वाला नहीं टिकेगा, देखे ट्राई करके भाई। हाँ बस ये है कि टूटे ना, टूट नहीं होना चाहिए बस, बाकी तो चीज़ें नहीं, बम्पर से पहले टायर टिकेगा उतना तो मुझे अंदाजा है। अच्छा हाँ उसका पीछे वाला टायर, टायर टिकेगा, टायर इतना तो मुझे अंदाजा है, बम्पर से पहले टायर टिकेगा उसके बाद ही सब कुछ ठीक। अच्छा है भाई साइड की जगह ना, उस साइड उतारे तो ज्यादा अच्छा है भाई, उस तरफ जगह भी तो नहीं ना, गाड़ी पलट जाएगी, जगह है नहीं, इस तरफ फिर वो टायर इस खड्डे में आएगा ना,
आराम से जान दो, ऊपर रहेगा ना तो नहीं अड़ेगा, लेकिन अगर इधर दोनों नीचे हो जाएगा तो फिर अड़ जाएगा, क्योंकि ये लूज ग्रेवल है भाई। डिस्कस कर रहे, पहले मेरे को तो बता दो क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं ये बात है। चलो चलो चलो, नहीं वो धम से जाएगा, धम से जाएगा, ट्रस्ट मी धम से जाएगा, आराम से, बिल्कुल धीरे, एकदम धीरे, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल थोड़ा छोड़ो, हाँ हाँ ठीक है, और छोड़ो हल्का, हाँ अब धीरे से जाने देना, क्योंकि धम से जाएगा, यही मैं बोल रहा हूँ, चलो आराम से, हाँ हाँ ये सही है, जाने दो, चलो नहीं ठीक है, ठीक ही नहीं गाड़ी, बम्पर ठीक है, हाँ बम्पर सही है, आगे से सही है, ओ बहुत जगह है, थोड़ा सा काट लो ना, क्योंकि ये वाला पीछे से आने की डर, थोड़ा मैं बताऊंगा, अभी सीधे चलने दो, सीधे चलने दो, बस जाने दो, और अब राइट कर ले लो, अब हल्का सा लेफ्ट लो, लेफ्ट 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 काटो, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, हाँ भाई हम सीधे खड़े हैं, हाँ हाँ कार में करता हूँ मैं, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे देखना बम्पर ठीक है, नहीं बम्पर ठीक है, ठीक है, ओ भाई इसका अप्रोच और डिपार्ट एंगल तो जबरदस्त है भाई, गई बस निकल गई, बस अब यहीं रोक दो, हमें बैठा लो, आ जाओ नहीं अब चलो हम उसमें आ रहे हैं, तो भाई फॉर्चुनर तो हो गई है भाई ये पार, क्योंकि भाई मैंने कि एकदम से ऐसे हो गया अब ये सीधे से ना, हाँ मतलब शर्ट से ऐसे करके, बिल्कुल मात्र हमें हुए हैं अभी 40 मिनट और हमने मुश्किल से कवर किया है 2 किलोमीटर, 2 से 2.5 किलोमीटर, क्योंकि भाई स्पीड तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, 10 की स्पीड लेके चलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम खींच के 0.5, और इसके अलावा मेन चीज़ है कि 10 की स्पीड भी आ रही है तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आ रही है। अब बात मैं एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा, अब ऐसा मन कर रहा है कि बस होटल पहुँच जाए क्यों, क्योंकि अब ना देखो भूख लग रही है, सुबह से सिर्फ वो आधे पराठा आलू का खाया था, इसके अलावा जो नमकीन थे उनसे पेट भरा, अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसी वजह से 1% को हम रात को रुकना चाहते हैं, हम रुक सकते थे अगर हमारे पास खाने का कुछ जुगाड़ होता तो, बट हमारे पास कुछ खाने का जुगाड़ नहीं था। अब एक और चीज़ की, अब जो गाड़ी आगे जा रही है वो हमें रास्ता दिखा रही है, पीछे एक थार और है, तो फॉर्चुनर वही उस पहले की तरह बीच में है, क्योंकि हमारी गाड़ी में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि कभी बम्पर ना सट जाए, खिड़की ना सट जाए, थार में ये चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होती, थार का बम्पर ही 2500 रुपये का टूट गया, जिसमें पेंट भी नहीं होता, ये फ़ायदा है थार का भाई, अब थार एकदम इसी चीज के लिए बनी है। बट भाई मैं एक चीज बोलूंगा, अगर इनके साथ यहाँ पे आ रहे हो ना तो अपने साथ ना एक तो टो बेल्ट शैकल, पूरा रिकवरी किट, पानी, खाना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल भाई बहुत घना जंगल है, जंगल में 19 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं हम, 19 किलोमीटर बहुत होता है भाई, 19 किलोमीटर। दूसरी चीज नेटवर्क नहीं है, और अगर आप आ रहे हो तो भाई सिंगल गाड़ी से मत आना, मैं आपको यही चीज बोलूंगा, सिंगल गाड़ी से कभी मत आना, क्योंकि आपके साथ कम से कम 2 या 3 गाड़ी होनी चाहिए रिकवरी के लिए, जो मैंने पहले भी बोला था और अब भी ये चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे रिकवरी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। जैसे हमको सही रास्ता मिल गया, मानो आपको रास्ता सही नहीं भी मिल सकता, क्योंकि भाई कुछ नहीं पता जंगल है, कब रास्ता कट जाए, कब का रास्ता खराब हो जाए, तो वीडियोस को भी देख के अब मैं सोचना कि भाई नॉर्मल सा है, देखने में वो ट्रेन नॉर्मल लग रहा है बट है नहीं वो भाई। 6 बजे ये गेट बंद हो जाता है, अभी तो हमें ये नहीं पता कि वो निकलेंगे, हम निकल पाएंगे या गेट अगर उन्होंने लॉक कर दिया तो हम गेट तोड़ के तो निकल नहीं सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल गेट नहीं तोड़ सकते, और इन चीजों में हमें थोड़ा सा देख के ध्यान रखना पड़ेगा। और आगे कुछ चीज खड़ी है, क्या खड़ी है पता नहीं, कुछ चीज खड़ी है आगे, कुछ गाड़ी है या आग लग रही है सामने, आग लग रही है सामने। हाँ अरे वो फॉरेस्ट वालों का घर है ना। अच्छा फॉरेस्ट वालों का घर है ये, मुझे लगा मैं यार जंगल में आग लग रही है यार। पहुंचते 11-12 बज जाएंगे, ठीक है, उसके बाद एडिटिंग, कल में हमको सुबह फिर जल्दी निकलना है कुछ ऐसे ही एडवेंचर के लिए, खतरनाक होने वाला शायद है, उससे भी ज्यादा हो या ऐसा ही हो वो हमें भी पता नहीं है, एक अननोन चीज है। लेकिन तो, आपको जैसा लग रहा था कि यार सूरत यार मुझे भाई क्या ही, बट ये वाला चीज नहीं था, ये वाला लाइफ का वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और अभिनव भाई ने इस जगह को एक्सप्लोर नहीं किया होता, उनके बारे में नहीं पता किया होता कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो इस जगह हम कभी नहीं पहुंच पाते। और भाई जंगल जितना दिन में सुंदर लगता है ना, रात में उतना ज़्यादा डरावना हो जाता है।
हेलो विकास भाई, सीरियसली यार एकदम पिच डार्क है। हाँ कुछ भी नहीं है, ना जन ना लोग ना कहना आदमी ना आदमी जात, कोई भी नहीं है। जितना सुंदर लगता है ना दिन में लग रहा था, मुझे इससे ज्यादा डरावना भी लगने लग गया है। तो भाई टाइम हो चुका है 9:13 एंड अभी जस्ट नेटवर्क हमारे आए हैं और यहाँ से अभी होटल जाने में लगेंगे हमें 2 घंटे, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 घंटे। और अभी कटारिया जस्ट फ्लाइट लैंड किया, कटारिया कहता जब फ्लाइट बैठा तब भी हम नेटवर्क से बाहर थे और उतरा तब भी नेटवर्क से। वो डर गया कि भाई कर दिया उसके साथ कांड, उसके साथ मतलब हमने मजाक कर दिया, उसको लगा कि हमने फोन स्विच ऑफ कर लिया और भाई वो वापस रिटर्न की फ्लाइट करा लेता अगर 10 मिनट हम और नेटवर्क में नहीं आते। तो कह रहा था भाई मेरे को दिख गया था कि 10:30-11 बजे की फ्लाइट है, मैं वो करा रहा था और मैं वापस जा रहा था। मगर भाई यो बढ़िया रह गया, कह रहा यार मुझे लगा मेरा तो कट गया और तुमने मुझे बुला लिया और मेरे साथ प्रैंक कर दिया। प्रैंक? हाँ मगर भाई प्रैंक कर, देख तू एक्सपर्ट है पर प्रैंक तो तेरे साथ करते भी, बट ये इस लेवल का प्रैंक नहीं करते कि तेरा जो नुकसान होता। तो फाइनली हमें अब अच्छा रोड मिल चुका है और हमें तो देख लो कितने घंटे लगने हैं यहाँ पे, कर लिया फोकस भैया 2 घंटे 4 मिनट लगने हैं हमें अपने होटल तक पहुँचने के लिए। और कटारे का हमने बोल दिया मगर तेरा रूम बुक है, जहाँ लोट बैठ, मगरमच्छ बर्न, मछली बर्न, कुछ भी कर जो तेरा मन करे, बस हाँ गंदा ना करियो, बाकी सब ठीक है। ये लास्ट वाला पॉइंट भाई, भैया 11:09 एंड फाइनली अभी हम जस्ट पहुंचे हैं होटल के अंदर। और भैया सुबह आज का दिन देखो बहुत अच्छा था, जहां हम गए वो भी बहुत अच्छी जगह थी। बट एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इस बंदे को मैं गाली देना चाहूंगा, जो आपके मन में है गाली दे सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई एक चीज समझ में नहीं आ रही थी, जब हम सुबह गए थे ना और अब गए, पता है कितने, 1.5 घंटे का फर्क है, 1 घंटे का फर्क है, ज्यादा है। अरे अपना अभिनव भाई के कारण है भाई, पूरी सिटी घुमा के पूरा सूरत दिखा के तब भाई लेके गए और अभी हम जस्ट बार बार से मेन हाईवे से आए हैं। क्लासिक है, एक नंबर रोड है। 2 घंटे सिटी में घूमे आज हम, 2 घंटा आराम से भैया। इतने सारे लिफ्ट हैं, हम आ गए हैं मेट्रो के अंदर, अगला स्टेशन सिकंदरपुर, दरवाजे इस तरफ खुलेंगे, दाई उड़ेंगे, कृपया करके दूरी का है, कृपया करके दूरी का ध्यान रखें, अगर इन केस कुछ होता है। बेटे मौज करा दी, बेटे हां बेटे मौज कर दी, रुवा दिया छोरे को आज यार, आ जा 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 सारे भेज दो ना जो भी आपके भाई, जो जिसके पास है वो दे दे यार, मैं एक फोल्डर बना रहा हूं, फोल्डर ट्रांसफर कर दूंगा, इट विल बी इजी। विकास भाई अभी ना सबका बंटवारा कर रहे हैं, जो जिसके हिस्से हमारा वो इससे आ जाइए भाई, आइए। और अब बड़ा भाई तू मेरी जान, दाल भी एक ही लाए थे, दूसरी दाल है, दाल कहां है भाई, एक ही लाया, दो कही थी यार, कटारिया सॉरी तुझे वेट करना पड़ा, मैं भाई क्या क्या है सब देख लो, दिख रहे हो अंधे तो ना, जब ब्लॉग देख रहे हो तो तुम खाना देख रहे हो, क्या क्या खा रहे, देखेंगे देख रहे, ये लग रहा है बेटे खोदा गोभी है, मैं कह रहा खोदा गोभी है, बस रायते में थोड़ा सा मजा नहीं है, खट्टा सा अजीब सा ना, मनी भाई रायता नहीं ठीक है,